Hello, students. Today we will start another new topic of pharmacology that is neurohormonal transmission and co transmission. So, let's start the video. ओके okay, तो सबसे पहले न्यूरो हॉर्मोनल ट्रांसमिशन न्यूरो हॉर्मोनल ट्रांसमिशन की बात की जाए या न्यूरो की बात की जाए सब चीजें एक जैसी हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि केमिकल या फिर कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर या कोई भी हॉर्मोन वो ट्रांसमिट किस तरीके से होता है और कैसे वो सारी चीजों से मीन्स uh, रीच होकर वो कैसे अपने पर्टिकुलर uh, uh, जो साइट है वहां पर जाकर अपने रिस्पॉन्स को शो करता है तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू इफेक्टर तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरॉन से इफेक्टर तक कि इंपल्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है सबसे पहले आप यहां पर देखिए जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या है ये सबसे पहला है आपका रिसेप्शन रिसेप्शन का मतलब ये ये रिसेप्टर हो गया ये आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल कोई भी हार्मोन हो सकता है कोई भी न्यूरो हो सकता है किसी भी तरीके का केमिकल हो सकता है कोई ड्रग हो सकती है ये कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ये क्या है आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है और और ये यहां से इस जो आपका रिसेप्टर है इससे बाइंड हो गया अब ये क्या जब बाइंड हो जाएगा आपका जब न्यूरो ट्रांसमिट और जो आपका रिसेप्टर है वो दोनों जब बाइंड हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं रिसेप्टर रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्सेशन ठीक है या कॉम्प्लेक्स तो ऐसा क्यों है क्योंकि इसको हम एज अ लिगेंड ही लेते हैं चाहे ये कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल क्यों ना हो अब ये जब आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया रिसेप्टर लिगेंड अब आगे जाके देखिए ये सेल के बाहर की ये सारी चीजें क्या है ये सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड यानी सेल के बाहर की सारी चीजें जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसमें ये हो पा रहा है अब जैसे ही ये यह यहाँ बाइंड हो गया बाइंड होने के बाद क्या होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे हो रहा है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कैसे हो रहा है इस रिसेप्टर ने अंदर की जो आपकी जो भी सेल के अंदर की जो चीजें थी उनको क्या कर दिया एक्टिवेट कर दिया अंदर के जो भी आपके ऑर्गन थे उनको एक्टिवेट करने के बाद में उन ऑर्गन को एक्टिवेट करने के बाद में क्या हुआ ट्रांसडक्शन हुआ इस रिसेप्ट जो आपका सिग्नल है इसका ट्रांसडक्शन हो गया ट्रांसडक्शन में क्या हो गया सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ उसके वो मॉलिक्यूल

यहां पर स uh, अगर एक हार्मोन है हार्मोन भी सेम काम करेगा अगर हम कोई न्यूरो या किसी केमिकल लाइक एसिटाइल कोलिन या फिर uh, हम मीन्स नॉर एड नॉर एडर्जिक जो uh, आपका केमिकल uh, होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये सारे जो एक केमिकल्स हैं ये एक ही तरीके से काम करते हैं भले ही इनका रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग है लेकिन काम इनका जो होता है मतलब ये जिस प्रोसेस से काम करते हैं ये प्रोसेस इनकी सिमिलर सेम होती है अगर सिंपैथेटिक की बात की जाएगी तो सिंपैथेटिक में आपके जो भी नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एडरिन जो है वो क्या करेंगे वो अगर अल्टीमेट आपके हार्ट की बात की जाए तो हार्ट रेट को क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे और वो कर कैसे रहे इस

कि अलग अलग केमिकल जो होता है वो सेम प्रोसेस को फॉलो करके और जो रिस्पॉन्स होता है उसका वो अपना अपना रिस्पॉन्स को जाकर वहां पर आपकी साइट पर शो करता है दैट इज नोन एज न्यूरो हॉर्मोनल ट्रांसमिशन अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टेप्स uh, को दिया हुआ है कुछ स्टेप्स हैं आपके न्यूरो हॉर्मोनल ट्रांसमिशन की लाइक इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड एक्सोनल कंडक्शन यानी जो भी एक्शन पोटेंशियल है जो आपकी अन्स uh, uh, मैं कह सकती हूँ कि जो आपका न्यूरॉन है उस न्यूरोन में क्या होता है उस न्यूरोन में आपका अटर uh, एंड होता है मोटर एंड के अंदर ही तो आपका केमिकल जो है वो सिंथेसाइज होता है और सिंथेसाइज होने के बाद में ये साइन के थ्रू दूसरे आपके जो डेंड्राइड है वहां तक पहुंच जाता है तो जो आपका मोटर एंड है वो हमेशा क्या होता है नेगेटिव चार्ज रहता है जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो दैट मीन की कोई भी ट्रांसमिशन वहां पर नहीं हो रहा होता है लेकिन जैसे ही सिग्नल आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो वहां पर पहुंचता है कोई भी सिग्नल है वो पहुंचता है और आपके मोटर एंड को एक्टिवेट करता है तो एक्टिवेट होने पर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट हो गया है अब आपका जो मोटर एंड है वो एक्टिवेट हो गया है फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ दी

click left and पोस्ट जंक्शनल साइट तो इवेंट क्या है जो इवेंट की यहां पर बात की जा रही है कि जब न्यूरो रिलीज हो जाएगा में पहुंच जाएगा तब क्या करेगा synapsis जो है वो उसके पोस्ट की तरफ जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस केमिकल को क्या करते हैं बाइंड कराना शुरू कर देते हैं और बाइंड कराने के बाद में क्या होता है जो भी अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको वहां पर शो हो जाता है टर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलीज ट्रांसमीटर और लास्टली क्या है जब कभी भी रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर कोलिंग कोलिनेस्ट्रेज एक इंजाइम प्रेजेंट होता है और ये कोलिनेस्ट्रेज इंजाइम क्या करता है ये जो भी ट्रांसमिट वहां पर अगर सपोज एसिटाइल कोलिन है तो उस एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि अब अगर उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई है तो जब फॉर्म चेंज हो जाएगी तो वो उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड नहीं हो सकेगा ओके okay, नाव अब हम बात कर लेते हैं को ट्रांसमिशन जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको जो भी स्टेप्स के बारे में बताया था ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से प्री सेनेप्टिक एंड पोस्ट पोस्टिक जो आपका पोर्शन है उसमें सेनेप्स uh, के थ्रू आपके कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो आपके अः uh, ट्रांसफर होते हैं रिसेप्टर तक तो सबसे पहले ये देख लीजिए ये क्या है ये है आपका मोटर एंड ये ये मोटर एंड क्या होता है ये आगे जाकर एक नई जो नर्व होती है ठीक मतलब है नर्व मतलब कि डेंड्राइट्स होते हैं डेंड्राइट से फिर एग्जॉन होता है एग्जॉन आपका फर्दर डिवाइडेड हो जाता है और ये छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है वो बल्ब क्या होते हैं आपके मोटर एंड कहलाते हैं अब ये इसको हम प्री सेनेप्टिक सेल भी कहते हैं प्री सेनेप्टिक पोर्शन भी कहते हैं ठीक है और मोटर एंड भी कहते हैं इसको किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं अब रही बात इसकी ये क्या है ये आपका डेंड्राइट हो गया मतलब इस मोटर एंड जो आपकी एक नर्व है ये दूसरी नर्व से जुड़ी हुई होती है और ये जुड़ी कैसे होती है इसका मोटर एंड मतलब इसका एंडिंग पार्ट इस वाले न्यूरोन के स्टार्टिंग वाले पार्ट के साथ में जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या हो गया ये हो गया आपका डेंड्राइट डेंड्राइट से आपका मोटर एंड जुड़ा हुआ रहता है अब जुड़ा हुआ रहता है क्या मतलब पूरी तरीके से ये यह पर देख सकते हैं आप ये यह यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है इसके बीच में थोड़ा सा गैप है और इस गैप को ही हम सेनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं या सेनाप्स के नाम से जानते हैं आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो सेनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हो सेनाप्स भी कह सकते हो ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक सेल एंड ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक सेल कहाँ से होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है ये भी मैंने आपको बता दिया अब देखिए एक्शन पोटेंशियल क्या है एक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो कोई भी ऐसा आ, सिग्नल जो आपका ब्रेन जो है वो आपके न्यूरॉन तक भेजता है वो क्या होता है वो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है तो यहाँ पर एक ब्रेन से सिग्नल आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेन से सिग्नल जो आता है इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और ये हमारे जो जो मोटर एंड होती है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पूरे पे रहते हैं ये नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं ये मोटर एंड से कोई भी जो न्यूरो होता है उसको रोक मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं ठीक है जब तक ये नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ से कोई भी केमिकल यहाँ पर आगे रिलीज नहीं हो सकता है लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव में बदल गए पॉजिटिव में बदलने के बाद क्या हुआ जैसे ही ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए यहाँ पर ये चैनल दे रखा है ये सेकंड क्या है आपका ये है कैल्शियम चैनल ये कैल्शियम चैनल क्या करते हैं ये ओपन हो जाते हैं एंड ओपन होने के बाद में जो बाहर का कैल्शियम होता है ये आपका अंदर की तरफ आगे बढ़ जाता है जब ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है ये वोल्टेज गेटेड यहाँ कैल्शियम चैनल लिखा हुआ है अब अंदर क्या है एक्सॉन टर्मिनल्स हैं एक्सॉन टर्मिनल्स क्या है ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आपके यानी कि इनको हम सेनेप्टिक वेसाइकल्स भी कहते हैं तो ये सेनाप्टिक वेसाइकल्स क्या है सेनेप्टिक वेसाइकल के अंदर आपका आ, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर केमिकल्स जो होते हैं वो मतलब एसिटाइल कोलिन जो है आपका यहाँ पर फिल्ड रहता है कैल्शियम आयन इस जो आपके आ, सेनाप्टिक है इसके साथ में जुड़ जाता है और जुड़ने की वजह से ये क्या करता है जुड़ने की वजह से ये जो आपका आ, सेनाप्टिक वेसाइकल है ये यहाँ से बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बस्ट हो जाती है एंड बस्ट होने के बाद में जो केमिकल होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है या लीक होना स्टार्ट हो जाता है आपके टर्मिनल एंड से जैसे ही ये बाहर आता है तो अब बाहर आने के बाद क्या हुआ ये सेनाप्स के अंदर आ गया सेनाप्स के पास जैसे ही आएगा तो ये क्या है ये आपके जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर है इन रिसेप्टर के साथ में क्या करेगा जुड़ना स्टार्ट कर देगा जैसे ही ये जुड़ता है जुड़ने के बाद क्या होता है आपका सोडियम चैनल भी होते हैं ये लिगेंड गेटेड चैनल भी कहते हैं इसको ये ओपन हो जाते हैं एंड ओपन होने की वजह से सोडियम आयन की एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है सोडियम इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है ये सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा तो सोडियम अंदर जाने के बाद क्या करेगा जो आपकी मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो सोडियम जो होता है हमेशा वो कभी भी आप अगर देखें तो सोडियम हमेशा कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर में डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट को सोडियम खाने से मना करते हैं क्योंकि सोडियम क्या करता है हमारी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में अः मीन्स रोल प्ले करता है इस तरीके से आपका न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर बाउंड हो गया आपके रिसेप्टर के साथ में और आगे जाकर जो भी रिस्पॉन्स है वो वो क्या हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर शो हो जाता है जिसको हम पूरा ओवरऑल को ट्रांसमिशन कहते हैं देख लीजिए यहाँ पर मैं दोबारा से बता देती हूँ ये क्या चीजें हैं आपकी ये देखिए मोटर एंड है जैसे ही ब्रेन से कोई सिग्नल आता है सिग्नल आने की वजह से जो अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की वजह से ही, जो आपका कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो जाता है ओपन होने की वजह से जो कैल्शियम है आउट जो आपके कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये

जैसे ही न्यूरो बाहर आता है ये आपके सेनाप्स के अंदर आ जाता है एंड सेनाप्स क्या करता है सेनाप्स की हेल्प से ये जो है आपके यहाँ जो आपके रिसेप्टर होते हैं इन रिसेप्टर तक ये जो केमिकल है, है ये पहुंच जाते हैं एंड धीरे धीरे बाइंड करना स्टार्ट करते हैं जैसे ही एक एक जो आपका मॉलिक्यूल है वो का जो जो मॉलिक्यूल जब बाइंड होना स्टार्ट करता है रिसेप्टर के साथ में तो आपका लिगैंड गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाता है एंड जैसे ही लिगैंड गेटेड चैनल ओपन होता है तो सोडियम की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है सोडियम की एंट्री होती है एंड तो आपकी जो भी मसल है वो कॉन्ट्रेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और जो यहाँ पर ये जो आपका जुड़ा हुआ है वो अपना एक्शन क्या करने लगता है वो भी अपना एक्शन या रेस्पॉन्स को वहां पर शो करने लगता है और इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पोस्नेप्टिक पो सेल भी कहा जाता है तो इस तरीके से पूरी तरीके आप देख सकते हैं कि जो आपका क्रो ट्रांसमिशन हो रहा है मोटर एंड एंड आपका मोटर एंड में क्या हो रहा है जो भी न्यूरो रिलीज हो रहा है वो तो किस तरीके से जाकर आपकी जो दूसरी वाली नर्व है उस पर जाकर एक्शन को शो करता है तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है और जब ये जब कभी भी ये प्रोसेस को खत्म होने की बात की जाए अगर तो यहां से ये मॉलिक्यूल कैसे हटता है ये मॉलिक्यूल हटता नहीं है यहाँ पर आपका क्या होता है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कोलिस्ट्रेज एंजाइम कहते हैं ये कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ देता है जब ये टूट जाता है तो ये इस मॉलिक्यूल के साथ में यानी

दूसरी चीज ये भी है कि आपका जो रिस्पॉन्स है इसको बंद होना क्यों जरूरी है बंद होना इसलिए जरूरी है कि अगर ये यहां से रिलीज होता जाएगा तो जितना अमाउंट में चाहिए है, ये उससे ज्यादा अमाउंट में रिस्पॉन्स दे देगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज या फिर कई तरीके के डिसऑर्डर्स भी प्रोड्यूस uh, हो सकते हैं तो यहाँ पर इन न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ बाउंड होना भी मतलब uh, रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो ये हो गया आपका को ट्रांसमिशन Okay students, prefer your notebook for further detailed content. Thank you.